तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस कल आरपी तो आ गया था, आपको पता ही होगा। अपडेट परसों आया था और कल आरपी का अपडेट आ गया था। तो मैंने उस पर वीडियो बनाया नहीं क्योंकि मुझे पता था, मोस्टली सबको पता ही होगा कि डेट क्या है और आरपी कब आने वाला है। तो मैंने सोचा अब आरपी आ गया है तो उस पर एक छोटा सा वीडियो ही बना दूँ। तो गाइस मैंने भी आरपी खरीद ही लिया है, और मैंने जो एलीट प्लस वाला रहता है वो नहीं खरीदा है, नॉर्मल खरीदा है। इसलिए मैं अभी 16 लेवल पे हूँ, कुछ मिशंस होने के बाद ऑलमोस्ट सब हो ही गए हैं। तो गाइज अभी मेरा जो आज का वीडियो है, मैं यही बताने वाला हूँ। आरपी थोड़ा रिव्यू करूँगा और भी थोड़े जो आउटफिट्स के बारे में बताने वाला हूँ, आपको कैसे फ्री आउटफिट्स मिल सकते हैं। तो गाइज पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो बात है वो तो मैं आरपी का बता देता हूँ। आप देखोगे तो इस बार भी रिवॉर्ड्स अच्छे खासे मिले। आप ये आउटफिट हो गया, ये हेलमेट का स्किन है, ये बहुत ही अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा, एकदम अलग है। फिर ये ट्रेल्स मिले, मतलब ये कुछ यूज़ के नहीं है, लिमिटेड भी है, ऐसे ऑल टाइम तो यूज़ कर भी नहीं पाएंगे, तो वो इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे। फिर एक बाइक का स्किन आया है, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि मेरे पास बाइक का एक भी स्किन है ही नहीं, तो ये मिल गया। फिर ये इमोट है, ये कुछ खास नहीं है, बस एक डांस है बहुत लंबा सा। फिर बैक का एक स्किन आया हुआ है। तो गाइस ये स्किन मतलब ये सूट पे अच्छा नहीं लग रहा, पर आप देखोगे तो, और अगर ऐसे कुछ कलर के सूट हुए ना अपने हमारे पास, जैसे खाकी कलर के होते हैं, ये ऐसे ग्रीन टाइप, डार्क ग्रीन एकदम, तो ये बैक का स्किन उस पर बहुत सूट करेगा। फिर एक ट्यूबिजी का स्किन आया हुआ है, ये वाला बोन कार्विंग जैसे ही है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है, तो स्किन तो अच्छा था। मैं नॉर्मल के रिवॉर्ड्स नहीं देख रहा हूँ गाइस क्योंकि मेरे पास ये सूट पड़ा ही हुआ है, पूरा यूनिफॉर्म सूट जो है वो, इसलिए मैं नॉर्मल के रिवॉर्ड्स नहीं बता रहा हूँ आपको। वो तो आप सबको मिलने ही वाले वैसे भी, तो मैं आपको आरपी के बारे में बताने वाला हूँ, आरपी के जो रिवॉर्ड्स है वो। फिर आप देखोगे तो प्लेन का स्किन मिला है, ये अच्छा है थोड़ा, मतलब फुल पिंग नहीं है, अच्छा किया उन्होंने। और गाइज आप देखोगे तो यूसी इस बार भी मिल रहे हैं, हर 10 लेवल्स पे आपको 6 यूसी मिल रहे हैं, तो आपको 100 तक 600 यूसी मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही अगर इसको सेव करोगे तो आप नेक्स्ट सीजन का आरपी भी फ्री में ले सकते हो, जैसे मैंने किया है। मैंने कुछ सीजन 3 में लिया था आरपी, उसके बाद मैंने अब तक एक भी मतलब पैसा जो है वो यूज़ नहीं किया है, वो मैं बस यही यूसी यूज़ करके आरपी ले पा रहा हूँ। तो आप भी ऐसा करोगे तो आप भी एक बार इन्वेस्ट करके बहुत टाइम के आरपी ले सकते हो। ये वाला इमोट मुझे ज़्यादा बेटर लगा पुराने वाले से, वो डांस से। फिर क्रेट्स आए हुए हैं, क्रेट्स में आप देखोगे तो रिवॉर्ड्स है, तो उसमें मतलब आउटफिट तो है ठीक ठाक, लेकिन सबसे अच्छा जो चीज़ आया है वो है ये दोनों स्किन्स। आप देखोगे तो एक तो कार 98 का स्किन आया हुआ है, जो मतलब अच्छा है, अलग है कुछ, एशेस कार 98 है। और ये जो यूएस का स्किन है ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे ये मतलब बेस्ट लगा अब तक यूएस के स्किन्स में। तो गाइज अभी वापस जाते हैं हम आरपी के, और भी देख लेते रिवॉर्ड्स। देखोगे तो मोस्टली सब ट्रेल्स ही आए हैं। ये बहुत लोगों को लग रहा है कि ये वाला हेलमेट है, तो गाइज ये हेलमेट नहीं है, ये एक ऐसा स्किन नहीं है, ये एक नॉर्मल टाइप का हेलमेट है, जैसे हम हेडगेयर पहनते हैं ये वैसा है, ये स्किन नहीं है। फिर नॉर्मल वालों के लिए एक अच्छा स्किन दिया है, सिल्वर प्लेटेड Win94। आप देखोगे तो ये वाला जो स्किन है ये पबजी पीसी में भी एकदम सेम, तो कुछ तो उन्होंने अच्छा डाला, और उसमें इसका बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स है, मतलब अच्छा दिखता है, तो आई होप इसमें भी एकदम अच्छा हो ये वाला। फिर ये सूट मिला है, आप देखोगे तो ये देखो बैकपैक का स्किन ये वाले सूट पे थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। फिर आगे जाएंगे तो अवतार है, फिर ट्रेल्स है, ये बियर्डेड लुक आया है, तो मतलब कुछ उन्होंने लुक्स पे डाला हुआ है, और ये एज इन थोड़ा डेंजरस टाइप लगता भी है, मतलब ये जो लुक है वो, तो मुझे ये वाला अच्छा लगा। फिर गाइज देखो मैं अभी ऑनलाइन आया तो बहुत सारे दोस्त रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कोई नहीं इग्नोर कर दो गाइज। फिर आगे जाते हैं हम, तो एक और सूट है, मतलब आप देखोगे तो इस बार के मोस्टली ये जो एक सूट था अभी इसके पहले मैंने बताया, यही एक फीमेल मेल कैरेक्टर पे अच्छा लगेगा, बाकी सब फीमेल कैरेक्टर के ही सूट दिए हैं इन्होंने, और बस 100 आरपी का है वो वाला अच्छा लगेगा, वो दोनों कैरेक्टर्स पे अच्छा ही लगेगा। आप देखोगे तो यूसी तो मिल ही रहा है, फिर AKM का स्किन है, मतलब उन्होंने स्किन दिया, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है कि आप देखोगे तो नॉर्मल AKM भी है यही कलर का ऑलमोस्ट, ब्राउन और ब्लैक, तो थोड़ा कुछ अलग होता है उसमें, तो ये ब्लू ब्लू किया है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है नॉर्मल AKM, आप देखोगे तो वैसा ही लगेगा ये, तो ये स्किन ठीक ठाक लगा मुझे। और ये आरपी सूट देख लो, तो गाइज ये वाला है 100 आरपी पे, एक ये है और ये दूसरा है, तो मैं तो यही वाला सिलेक्ट करने वाला हूँ, दूसरा अर्बन स्कैवेंजर वाला, मुझे ये पसंद नहीं आया क्योंकि आप देखोगे तो अभी इसमें आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट में हेलमेट उतारूंगा तो आपको मैं बताता हूँ क्या रीज़न है मैं ये क्यों नहीं ले रहा हूँ। तो आप देखोगे तो, अरे मैंने सब टाइप के हेलमेट्स पहन लिए, हाँ ये देखो
मतलब ये पूरा आउटफिट फेस के नीचे से तो अच्छा है, लेकिन जो फेस के उधर उन्होंने ये जो पूरा का बनाया हुआ है, ये डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं ये वाला लेने वाला हूँ, अर्बन स्कैवेंजर वाला मैं ये ले रहा हूँ। क्योंकि आप देखोगे तो असासिन्स क्रीड अगर आपने कभी खेला हो तो उसमें वो जो मेन कैरेक्टर होता है वो ऐसे ही सर पे पूरा पहनता है, और उसका ये कपड़ा भी ऐसा ही होता है, तो ये एकदम असासिन्स क्रीड जैसा लग रहा है, और ये वाला ज़्यादा बेटर है वो दूसरे वाले से, इसलिए मैं ये वाला ही लेने वाला हूँ, अर्बन स्कैवेंजर वाला। तो गाइस आरपी तो हो गया, अब आते हैं कोई दूसरी चीज़ों पे। तो आप देखोगे तो आप यहाँ पे अगर क्रेट्स में जाओगे तो उन्होंने थोड़े और ऐसे आउटफिट डाले हुए नए नए, लेकिन मेरा वीडियो का टॉपिक ये नहीं है। आप अगर जाओगे शॉप में तो गाइस मैंने आपको मैंने वीडियो में लिखा है कि आप फ्री आउटफिट्स कैसे गेन कर सकते हो, तो आप रिडीम में जाओगे ना गाइस तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे थोड़े अभी रिवॉर्ड्स डाले हुए ऐसे, तो देखोगे तो ये तो डाले हुए ट्रेल, ये कुछ वेस्ट है, आपका काम का नहीं होगा। अगर आपको लेना है फैंसी टाइप के लिए तो आप ले सकते हो एक बार के लिए। फिर आप देखोगे ये आई आई वेयर डाला हुआ है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो सब ऊपर है। आप ये देखो गाइस ये सूट तो था लास्ट टाइम, लेकिन ये दोनों नए सूट डाले हुए हैं। ये जो है इसमें थोड़ा बॉडी फ्रेम मोटा लग रहा है, लेकिन ये वाला अच्छा है, और 1700 भी इसमें ही मिल रहा है सिल्वर कॉइन्स में, तो आपको कुछ यूसी डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आपको ये ऐसे ही फ्री में मिल जाएगा अगर आप आपके पास ये सिल्वर फ्रैगमेंट्स हो तो। लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लगा, मतलब सबसे बेस्ट तो ये है आपको चाहिए तो, लेकिन ये महंगा है, तो आपको चाहिए तो ये वाला ले सकते हो येलो कलर का, ये 1680 में ही है सिल्वर फ्रैगमेंट्स, आपको कुछ यूसी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक ये वाला भी मुझे अच्छा लगा, और ये सस्ता भी है, ये 1008 का है। और एक और चीज़ जो उन्होंने डाली है वो है ये स्किन, पैन का स्किन डाला हुआ है उन्होंने, तो आप देखोगे तो ये भी 1680 का है, और बेस्ट तो ये हॉकी वाला है। आप देखोगे तो क्या स्किन बनाया है उन्होंने, क्रोबार के लिए बनाया हुआ है, एकदम फुल हॉकी का बैट लग रहा है। तो अगर आपके पास स्किन ना हो तो आप ये ले सकते हो, और आउटफिट चाहिए तो आप ये देख लो इसमें से कुछ ले सकते हो। तो ये नए आउटफिट्स आए हुए हैं और फ्री में भी है, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो गाइज और भी कुछ चीज़ें फ्री में आई है तो मैं आपको वो सब भी बता देता हूँ। आप ये देखो यहाँ पे जाओगे ना तो आप ये प्रीव्यू में जाओ, अब जैसे प्रीव्यू में जाओगे आपको मेरा देखो आप सिल्वर में अगर पहुंचे और उसमें आपने 5 मैच खेली तो आपको ये शूज़ मिल जाते हैं, फिर आप गोल्ड में 5 मैचेस खेलोगे तो ये पैंट मिल जाएगा, फिर प्लैटिनम में ये शर्ट है, और आगे जाओगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, डायमंड में ये मास्क है, और गाइस क्राउन में देखो क्राउन में इस बार डीपी का स्किन मिल रहा है, मतलब मेरे पास डीपी का स्किन है ही नहीं तो ये बेस्ट चीज़ हो गया, वो डीपी का स्किन दे रहे हैं, तो मैं ऑब्वियसली एज तो पहुंच ही जाऊंगा इस बार भी, तो ये डीपी का स्किन भी मिल जाएगा मुझे क्राउन में, और फिर इसमें एज ऑलवेज पैराशूट मिलेगा, और अगर आप कॉन्करर पहुंच गए तो ये फ्रेम मिलता है जो हर बार वो देते हैं, फिर सीजन एंड रिवॉर्ड भी होगा अगर आपने स्टार्ट किया होगा तो, आपको यहाँ पे एक कलेक्ट का ऑप्शन आएगा प्लैटिनम ये जो लिखा हुआ है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे कलेक्ट करोगे तो आपको लास्ट सीजन का या जितना लीग तक पहुँचे हो टीयर तक आपको उसका क्रेट मिल जाएगा। तो ये सब फ्री आउटफिट्स हो गए। तो गाइस अभी एक और चीज़ जो मैं बता दूँ आपको, ये देखो आप यहाँ पे जाओगे ना ये आप देख सकते हो जो हमारा बार्गेनिंग का होता है उसके बाजू में जो S7 लिखा है उसमें जाओगे तो गाइस ये ऑप्शन मतलब हर बार आता है जब भी नया सीज़न आता है, तो उसमें क्या करना होता है आपको ये दोनों जो आउटफिट्स है ना ये जो ऊपर का टॉप है वो और ये हैट ये फ्री में मिलेगा। आपको इसके लिए करना क्या है, आपको है ना यूसी खरीदने हैं, तो अगर आप 60 यूसी खरीदोगे ना तो आपको ये टॉप मिल जाएगा, और आप 120 मतलब और 60 खरीदोगे ना तो आपको ये वाला हैट भी मिल जाएगा। तो गाइज इसमें ऐसा नहीं है कि आप यूसी खरीद रहे हो तो आपका ये पैसा जा रहा है और ये मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आप 120 यूसी खरीदोगे ना तो आपको ये दोनों चीज़ें फ्री में मिल जाएगी, मतलब आपका 120 यूसी तो पड़ा ही रहेगा और ये दोनों आउटफिट जो है ये भी मिल जाएंगे, तो मतलब ये एज फ्री आइटम ही काउंट होता है, लेकिन आपको यूसी यूज़ करने पड़ेंगे, वो यूसी आपके गेम में रहेंगे, मतलब ये यहाँ पे जो है ना आपके इसमें 120 यूसी आ जाएगी और आपको दोनों आउटफिट्स भी मिल जाएंगे, तो ये एज अ फ्री अकाउंट होता है, तो मैंने सोचा आपको भी ये बता दूँ। और आप जैसे ही ये खरीदोगे ना तो आपका ये जो AWM है ना ये अनलॉक हो जाता है, तो आपको चाहिए तो आप 120+ और 60 यूसी डाल के आप ये AWM का स्किन ले सकते हो, ये बहुत ही एकदम अच्छा वाला है। मैं सोच रहा हूँ मैंने ये अब तक लिया नहीं है क्योंकि मैं रुका हूँ कुछ यूसी में डिस्काउंट आ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें उन लोग ऐसे का मतलब अभी देखोगे तो 80 रुपीज़ का 60 यूसी मिल रहा है, लेकिन वो आगे जाके ऐसा मतलब इवेंट्स चलते हैं जिसमें आप 130 रुपीज़ में 130 यूसी ले लो, प्लस आपको कुछ कूपन्स भी दे देते हैं, तो मैं उस लिए रुका हूँ कि मैं तभी यूसी खरीदूंगा तो मुझे ये फ्री में मिल जाएगा और थोड़ा यूसी भी एक्स्ट्रा मिलेगा, तो और फिर मैं मोस्टली ये AWM का स्किन भी ले लूँगा। तो गाइज आप ये कर सकते हो, अगर आपको यूसी खरीदना ही है तो आप यूसी खरीदो और ये दोनों चीज़ें फ्री में ले लो। तो गाइज बस मुझे ये सब आपको बताना था, ये सब नया आया है और फ्री के आउटफिट्स भी है तो मैंने सोचा आपको बता दूँ।
तो गाइज यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो समझ गया होगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकॉन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।